सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, मैं आदर्श राय आज आपके सामने बात करने वाला हूँ हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, हमारी सोच क्या हो चुकी है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। अगर आपकी सोच घटिया है, अगर आपकी सोच कुपोषित है और अगर आप एक तंग मानसिकता वाले इंसान हैं, तो मेरी ये वीडियो मत देखिए। विनम्र निवेदन है आपसे, मत देखिए, क्योंकि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया, सन 1950 में संविधान बना, लेकिन जो हमें आजादी मिली वो सिर्फ अंग्रेजों से मिली, वो आजादी हमें अपने मानसिकता से नहीं मिली, इस गंदी सोच से नहीं मिली। हमें आज भी अपने तंग मानसिकता से आजादी चाहिए, हमें आज भी अपने कुपोषित हो चुके सोच से आजादी चाहिए। ये आजादी कौन देगा? ये स्वयं हम देंगे। 2-3 दिनों से इस देश में एक नाम की चर्चा हो रही है, एक नाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी जुबान पे छाया हुआ है, उसका नाम है तैमूर। यह नाम कब से आया लोगों की जुबान पे? जब से सैफ अली खान और करीना कपूर के यहां एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम तैमूर रखा गया। जब हमारे प्यारे देशवासियों को पता चलता है कि सैफ अली खान के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम तैमूर रखा गया है, प्यारे देशवासी भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, हर जगह जहां हो सकता है वहां इसका विरोध चालू हो जाता है। आखिर क्यों विरोध किया जाता है? हिंदुस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान का वो तारेक फरेक पता ना क्या नाम है उस पत्रकार का बुड्ढा, वो विरोध कर रहा है। अबे भाई, पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें हैं, जाओ उसको सुधारो, हिंदुस्तान तो अपने राह पे चल ही रहा है। हमारी जानकारी में तैमूर एक ऐसा शासक था जिसका नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है, इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। अब उसका नाम तैमूर था और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया, इस वजह से सैफ अली खान के बेटे के नाम का विरोध हो रहा है। अभी वो बच्चा छोटा है, उसको पता भी नहीं है कुछ, उसका विरोध हो रहा है। किस बात पे विरोध हो रहा है? मात्र एक नाम तैमूर है। ये विरोध हो रहा है या विरोध करवाया जा रहा है, इसको समझिएगा। हर चुनाव के पहले ही क्यों सांप्रदायिक बातें होती हैं? क्यों देश का माहौल कुछ इस तरीके से बिगाड़ दिया जाता है कि पार्टियां उसमें अपने राजनीति की रोटियां सेक सके? पार्टियों को कुछ नहीं था, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, तो उन्होंने ये सैफ अली खान के बेटे के नाम को एक मुद्दा बनाया। और हमारे मित्र, दुख तो इस बात पे होता है कि हमारे मित्र जो पढ़े लिखे हैं वो भी इस तरीके के मैसेज को शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह ये मैसेज शेयर हो रहा है। क्यों शेयर हो रहा है भाई, क्यों कर रहे हो? अगर आप मजा लेने के लिए कर रहे हैं तो सोचिए, आप तो एक मिनट के लिए मजा ले रहे हैं, लेकिन वो मजे से अगले इंसान के दिमाग पे क्या फर्क पड़ने वाला है? हो सकता है वो आप इतना समझदार ना हो सकता है वो सांप्रदायिकता के वे में ले ले उसको, तो आपने अनजाने में ही देश की जो सद्भाव है, जो शांति है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये खबर आपको ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही ये हो रहा है, चल रहा है, और नेता, पार्टियों के नेता यही चाहते हैं। वो एक टेक्निक लगाते हैं, एक तरीका होता है उनका किस तरीके से विरोध को मोबिलाइज किया जाए और फिर उसको एक सही समय पर, सही दिशा पर और सही केंद्र पर एक लक्ष्य लगा के साथ दिया जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मित्रों,
तरीके की चीजें शेयर ना करें। किसी का नाम, कोई अपने बेटे का नाम कुछ भी रखे, आपको क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपके घर कोई बेटा पैदा होता है, कोई लड़का पैदा होता है, उसका नाम आप राम रख देते हैं, सुग्रीव रख देते हैं, हनुमान रख देते हैं, ठीक है, ओके। अब सैफ अली खान आके बोलेगा कि नहीं, तुम अपने बेटे का नाम राम से बदल कर दिनेश करो, महेश करो, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो आजाद हो चुके हैं बहुत पहले, लेकिन अंग्रेजों से आजाद हुए थे मित्रों। आजादी अब हमें अपने सोच से सही है, ये दिमाग। हमें यह देखना होगा कि हमें लड़ाया जा रहा है या हम अपने आप स्वतः लड़ रहे हैं। विरोध करना उचित है, लेकिन विरोध की वजह पता होनी चाहिए। किसी की भक्ति करना उचित है, लेकिन अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, विरोध करने से पहले आजाद बनिए, अपने दिमाग को खोलिए और देखिए कि जिस चीज का आप विरोध करने जा रहे हैं, या जो मैसेज, जो जिसमें सांप्रदायिकता छिपी हुई है, जिसमें वो बातें छिपी हुई हैं कि जो देश की शांति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको शेयर मत कीजिए। दिन भर में आप 50 मैसेज शेयर करते होंगे, मान लीजिए 10 मैसेज शेयर करते होंगे, एक नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो ज्यादा मजा आने वाला रहेगा वो एक थोड़ा सा कम मजा आ जाएगा, लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है समाज पे वो तो नहीं होगा ना। तो सोचने की कोशिश कीजिए, आजाद बनिए आप। कुछ भी करने से पहले उससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सोच के फिर कीजिए। किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। अपने मन की सोचिए, अपने दिल की सोचिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए और उसको पूरा कीजिए।